हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास सेकंड केमिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपकी फिनॉल की कुछ अभिक्रियाएं हैं जो किस नाम से आती हैं, क्या होता है जब, ठीक है, मतलब जब फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, क्या बनेगा, ठीक है। तो हम इस अभिक्रिया को कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिनॉल का सूत्र आप सभी को पता होगा, क्या होता है, C6H5OH, ठीक है। यहाँ पे हम फिनॉल की संरचना बना लेते हैं। किसके साथ क्रिया कर रहा है, किसके साथ क्रिया कर रहा है, ये जिंक के साथ, ठीक है। जिंक के साथ क्रिया करेगा या जिंक के साथ हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो ये फिनॉल है इसका हो जाता है वी ऑक्सीजनीकरण। क्या हो जाता है, वी ऑक्सीजनीकरण, ठीक है। वी ऑक्सीजनीकरण का मतलब क्या है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है, फिनॉल का जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका बेंजीन रिंग बचेगी और क्या निकलेगा आपका, क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराने पर क्या बनता है, बेंजीन बनती है और जिंक ऑक्साइड। अब देखो ये बेंजीन कैसे बनेगी, जैसे हम इसको संरचना रूप में लिखकर अगर ऐसा लिखते हैं C6H5OH प्लस यहाँ पे क्या होगा, जिंक। जिंक किसके साथ क्रिया कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ क्रिया कर लेगा, जिंक ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे क्या बना, C6H। अब ये वाला जो H है ना इसमें फिनॉल का, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस H के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H6 और प्लस क्या बना, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये किसकी रिंग है, बेंजीन, ठीक है। तो याद रहेगा जो फिनॉल है, फिनॉल जिंक चूर्ण के साथ क्रिया करता है तो इसका क्या हो जाता है दोस्तों, वी ऑक्सीजनीकरण, मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी और बनेगा क्या, बनेगा बेंजीन और प्लस आपका क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। अब हम दूसरा देख लेते हैं, फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो हम दोबारा से क्या बनाएंगे, फिनॉल, ये फिनॉल की रिंग बन गई OH प्लस ये बोल रहा है ब्रोमीन जल Br2, ठीक है। तो यहां पे जो बनेगा दोस्तों, यहां ऑर्थो और पैरा जगह पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन, यहां भी ब्रोमीन और यहां भी क्या जुड़ेगा, ब्रोमीन। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे ब्रोमीन कितने हैं, दो, लेकिन यहाँ पे कितना दिखा रहा है, तीन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 3Br2, ठीक है, 3Br2। तो हमारी जो ब्रोमीन है वो कितनी हो गई, 3 × 2 = 6, यहाँ पे कितनी है, 3। तो अब आपका और क्या निकलेगा, 3HBr। अब ये H कहाँ से आया, तो देखिए दोस्तों आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, CH, हर जगह क्या है, CH, ठीक है। तो जब कोई चीज यहाँ जुड़ेगी तो एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या जुड़ेगी, ब्रोमीन। तो यहां से एक हाइड्रोजन हट गई, यहां से एक हाइड्रोजन हट गई और यहां से भी एक हाइड्रोजन हट गई, तो कितनी हाइड्रोजन निकली, 3। हमारे पास ब्रोमीन कितनी बची है, 3। तो आपका क्या बन गया, 3HBr। और इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रोमीन किस किस जगह पे है, तो दूसरी जगह पे, तो 2, 4, 6 कितने ब्रोमीन है, 3। तो क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो। पूरी श्रृंखला, पूरी जो संरचना है किसकी है, फिनॉल की, तो ट्राई ब्रोमो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनॉल, ठीक है।
तो ये हो गई हमारी ये दो अभिक्रियाएं। अब हम अपनी तीसरी अभिक्रिया देखेंगे